गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज मैं आपको एमएस वर्ड के अंदर काम करना सिखाऊंगी। एमएस वर्ड के अंदर काम करने के लिए हम सबसे पहले एमएस वर्ड को ओपन करना सीखेंगे कि किस तरीके से हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं। स्क्रीन के अंदर हमारा जो ये स्टार्ट बटन होता है उस पर हम क्लिक करेंगे और ऑल प्रोग्राम्स के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रोडक्ट होता है एमएस वर्ड, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 को क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करते ही हमारे सामने एक ऐसी स्क्रीन खुल जाती है, ये होता है हमारा एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के अंदर काम करने के लिए इसका बेसिक पर्पज़ ये होता है कि कुछ भी हमें अगर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं तो वो हम एमएस वर्ड के अंदर अच्छे से बना सकते हैं। एमएस वर्ड हमें बहुत सारे फीचर्स और फैसिलिटीज़ ऐसी देता है जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट्स को और अच्छा बना सकते हैं। कुछ इसकी बेसिक जो फीचर्स हैं उसके बारे में मैं आज आपको बता देती हूँ। जैसे ये जो पार्ट है ये होता है फॉन्ट स्टाइल का, कि टेक्स्ट जो हम लिखेंगे वो कैसा नज़र आएगा। ये हमारे पास में बहुत सारे टाइप्स हैं, इनमें से हमने मान लीजिए यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे टाइम्स न्यू रोमन, क्योंकि मोस्टली जो ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हम इसी तरीके के फॉन्ट्स में लिखते हैं। तो इसमें जैसे हमने लिखा टू द HOD, ये मैंने लिखा है। मुझे ये साइज़ थोड़ा छोटा लग रहा है, इसलिए मैं क्या करूँगी, इसके साइज़ को बढ़ाने के लिए मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है यहाँ से लेके यहाँ तक माउस के थ्रू, और अदरवाइज़ मैं इसको कैसे सिलेक्ट करूँगी, यहाँ कर्सर ले जाके शिफ्ट के साथ में बैक की से, शिफ्ट के साथ में ये जो हमारी कीज़ है इससे मैं इसको सिलेक्ट करूँगी। ये मेरा सिलेक्ट हो चुका है, यहाँ पर मैं इसका साइज़ बढ़ा दूँगी, अभी 10 है, अब मैं इसको चाहूँ तो 18 कर देती हूँ। ये अच्छा साइज़ है, इसमें मेरा डॉक्यूमेंट जो है वो क्लियर नज़र आ रहा है और ये पेज पे पूरा फिट भी होगा। तो इस तरीके से हम इसमें एप्लीकेशन लिख सकते हैं, जैसे टू द हेडमास्टर, ये मैंने लिखा है। टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में लिखने के लिए कीबोर्ड के अंदर जो ये कैप्स लॉक बटन होता है इसको हम प्रेस करते हैं तो टेक्स्ट जो है वो कैपिटल लेटर में हमें नज़र आता है। अगर मैं इसको वापस प्रेस कर देती हूँ, इस कैप्स लॉक को अगर मैं वापस प्रेस कर देती हूँ तो क्या होगा, हमारे जितने भी वर्ड्स हैं वो अब हमें स्मॉल नज़र आएंगे। जैसे ये गंगा शहर, ये जो हमारे वर्ड्स हैं ये स्मॉल लेटर में आ चुके हैं। ये वर्ड्स हमारे स्मॉल लेटर में आ चुके हैं। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा फॉन्ट स्टाइल था, ये हमारे फॉन्ट का साइज़ है। फॉन्ट के साइज़ को बढ़ाने के लिए मान लो मैंने इसको सिलेक्ट किया है और मैं इसको यहाँ से इस A+ से मैं इसको बढ़ा सकती हूँ और इस A- से मैं इसको एक एक साइज़ से घटा सकती हूँ। ये हमारे फॉन्ट का अलाइनमेंट होता है, इसका मतलब होता है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, यानी कि इसमें हमारे टेक्स्ट कहाँ नज़र आएगा, लेफ्ट में, जो कि अभी है। ये होता है सेंटर, इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+E, इसको अगर मैं प्रेस कर देती हूँ तो टेक्स्ट जो हमने सेलेक्ट कर रखा है वो सेंटर में आ जाएगा। और ये होता है राइट, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+R, तो इसको अगर मैं प्रेस करती हूँ तो हमारा जो टेक्स्ट है वो राइट साइड में आ जाएगा। ये जो होता है ये होता है जस्टिफाई, जस्टिफाई का मतलब होता है जो टेक्स्ट होता है वो इक्वल नज़र आएगा, साइड से ऑड नहीं लगेगा, ठीक है। इसके आगे हम बढ़ते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग लगा रखी है, जैसे यहाँ पे मुझे हेडिंग लगानी है एप्लीकेशन, मैंने लिखा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मैंने लिखा, इस एप्लीकेशन को मुझे क्या करना है, सेंटर में लाना है, ठीक है। ये पेज के सेंटर में मैं ले आई, मैं चाहती हूँ ये एप्लीकेशन जो हेडिंग है ये गहरी नज़र आए, तो मैं इसको B यानी बोल्ड पे क्लिक करूँगी तो ये एप्लीकेशन हो गई डार्क। बोल्ड का मतलब होता है गहरा, यू यानी कि अंडरलाइन होता है, अगर मैं इस पर प्रेस करती हूँ तो ये अंडरलाइन आ जाती है, और आई का मतलब होता है इटैलिक। मैं इसको एप्लीकेशन को इटैलिक नहीं करती हूँ, मैं टू द हेडमास्टर को इटैलिक कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने इसको आई पे क्लिक किया और ये अक्षर सारे टेढ़े हो गए, तिरछे हो गए, यानी आई से इटैलिक से अक्षर तिरछा नज़र आता है, जो कि हमें इसमें दिख भी रहा है कि ये आई किस तरीके से नज़र आ रहा है। जैसा ये आई नज़र आ रहा है वैसे ही हमारे बाकी के फॉन्ट भी हमें नज़र आएंगे।
टेक्स्ट का हम कलर चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, जिस भी कलर पे हम क्लिक करेंगे टेक्स्ट उसी कलर का हो जाएगा। जैसे कि ये रेड है और ये थोड़ा डार्क है, तो इस पे मैं क्लिक करती हूँ, मेरे टेक्स्ट का कलर चेंज हो चुका है। इस सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगी तो टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाएगा। टेक्स्ट के बैकग्राउंड में पहले वाइट था, अब येलो, ग्रीन और स्काई ब्लू जो भी कलर मैं चाहूँ वो कर सकती हूँ। तो मैंने इसको ग्रे कलर दे दिया है, ये मेरा ग्रे कलर से नज़र आ रहा है। थैंक यू।